हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज मैं जा रहा हूँ मजनू का टीला व्लॉग करने। तो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि मैं और मेरी बहन जा रहे हैं मजनू के टीले को एक्सप्लोर करने। वहाँ के जितने भी टिबेटियन फूड्स हैं, कल्चर हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। संडे को बोर होते होते वी डिसाइडेड टू गो मजनू का टीला। फिर मैं और मेरी बहन पहुंच गए विधानसभा मेट्रो स्टेशन, जो कि सबसे नियेस्ट मेट्रो स्टेशन है मजनू के टीले के लिए। उसके बाद मैंने लिया गेट नंबर 1 से एग्ज़िट, और अब मैं लेने जा रहा हूँ ई रिक्शा, जो कि लेगा आपको 20 रुपये चार्ज पर पर्सन और उतारेगा सीधा आपको मजनू के टीला फ्लाईओवर के सामने। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपको दिखेगा मजनू के टीले का मेन एंट्रेंस गेट। तो फाइनली मैं एंटर करने जा रहा हूँ अभी मजनू के टीले में। सो बेसिकली मजनू का जो टीला है वो एक टिबेटियन सोसाइटी है हमारी दिल्ली में, और यहाँ पे जो चीज़ें फेमस हैं, यहाँ की लोकल मार्केट, कैफेज और इधर के जो कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जैसे ही आप फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे आपको लेफ्ट लेना है, और उसके बाद आपको एक बड़ा मेन एंट्रेंस गेट मजनू के टीले का मिल जाएगा। तो चलो अब अंदर चलते हैं और चीज़ें करते हैं एक्सप्लोर, और आपको देते हैं एक ऑनेस्ट रिव्यू मजनू के टीले का। तो ये है मजनू के टीले का मॉनेस्ट्री एरिया। यहाँ पे आपको मॉनेस्ट्रीज दिखेंगी। अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको ये मॉनेस्ट्री ज़रूर विज़िट करना चाहिए। दिस इज़ अमेजिंग स्पॉट जहाँ पर आप हिस्ट्री, कल्चर और इनके स्पिरिचुअलिटी के बारे में फाइंड कर सकते हैं। फिर चाहे आपको इनर पीस ढूंढ रहे हो या फिर आपको जानना हो टिबेटियन कल्चर के बारे में, तो ये प्लेस तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। यहाँ की टिबेटियन वाइब्स, इट्स अमेजिंग, ट्रस्ट मी गाइस, यू वुड नॉट रिग्रेट इट। आपने लाफिंग के बारे में ज़रूर सुना ही होगा, और स्पेशली जब बात करें मजनू के टीले की तो ये यहाँ पे बहुत फेमस है। तो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ लाफिंग। बेसिकली जो लाफिंग है ये एक येलो शीट है, उसके अंदर वाई वाई की फिलिंग होती है विथ सॉल्ट और सम सॉसेस। इसका जो प्राइस है वो ₹60 है, क्योंकि मैंने वाई वाई लाफिंग ऑर्डर करी है। बाकी आपको कुछ और फ्लेवर ट्राई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो फाइनली मेरा जो लाफिंग है वो रेडी हो गया है, और अब मैं करने जा रहा हूँ इसको टेस्ट और देता हूँ आपको इसका रिव्यू। तो फाइनली अभी मैं करने जा रहा हूँ दोस्तों ये लाफिंग ट्राई, जो कि है टिबेटियन फूड और यहाँ पे काफ़ी फेमस भी है। सो लेट्स ट्राई इट, और फिर मैं बताता हूँ इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को कि काफ़ी स्पाइसी है मेरे को लग रहा है वैसे तो। फिर ट्राई करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, बट अच्छा है, टेस्ट ओवरऑल गुड है, एक नंबर। कर सकते हैं हम इसे ट्राई। इसमें प्रॉपर वाई वाई और सोया है, लेयर अच्छी बना रखी है उन्होंने, स्टफिंग भी काफ़ी गुड है, बेस्ट है, मस्ट ट्राई। स्पाइसी खाने के बाद अभी मेरा मन कर रहा है कुछ ठंडा और मीठा खाने का, तो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इधर की मार्केट की काफ़ी फेमस ड्रिंक है, जो कि कोरियन ड्रिंक है बेसिकली,
और उसका नाम है बबल टी। तो अभी मैं वो ट्राई करने जा रहा हूँ बॉबा बस्ट पे। उस ड्रिंक के अंदर काफ़ी सारी बबल्स मिलेंगी, तो वही इसीलिए उसका नाम पड़ा है बबल टी या बॉबा टी। तो लेट्स ट्राई इट और फिर मैं आपको बताता हूँ उसका टेस्ट कैसा लग रहा है। जिसका टेस्ट काफ़ी अमेजिंग था, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग था और टेस्टी काफ़ी ज़्यादा था। तो आप अगर इधर आए हो तो इसे प्लीज़ ट्राई करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी है और इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। इसका जो प्राइस था वो 150 था, बट इधर काफ़ी सारी रेंज में आपको मिल जाएंगे, 250 अराउंड या 300 तक भी आपको कॉफ़ीज और शेक्स अवेलेबल हैं। तो ये कुछ मार्शमैलोज़ हैं और कुछ कैंडीज़ हैं जो कि मैं उसके लिए ले रहा हूँ अभी अपनी बहन के लिए, क्योंकि उसे ही चाहिए और पसंद भी काफ़ी ज़्यादा उसे, तो ले लेते हैं। ट्राई करने जा रहा हूँ ये डिलीशियस मोमोस, वेज मोमोस ट्राई करने जा रहा हूँ, बहुत फेमस है इधर, तो देखते हैं इसका कैसा टेस्ट है। सी दिस फिल्म, प्रॉपर वेजिटेबल्स डाले हुए हैं और जो फ्रेग्रेंस है मोमोस की, यार माइंड ब्लोइंग सीरियसली। ये मोमोज सिर्फ 60 रुपीज़ के, काफ़ी टेस्टी हैं लेकिन वर्थ इट। तो यहाँ से स्टार्ट होता है स्ट्रीट शॉप और लोकल मार्केट्स मजनू के टीला की। यहाँ पे अगर हम बात करें शॉपिंग की, तो आप काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हो, इधर आपको टिबेटियन कल्चर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ इनके प्राइस की, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होता है, बट शॉपिंग की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे आपको शोरूम मिलेंगे, लाइक ज्वेलरी शॉप्स हैं यहाँ पे, आपको टिबेटियन डिज़ाइन में इधर अगर ज्वेलरी भी चाहिए होगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी। कोरियन प्रोडक्ट्स हो या फिर कोरियन फूड, ड्रेस, एवरीथिंग कल्चर से रिलेटेड इनके सारी चीज़ें इधर मिलेंगी। अगर आपको भी ट्रेडिशनल क्लोथ्स और इनकी जो टिबेटियन कल्चर से रिलेटेड ज्वेलरी हो गई या फिर कोरियन प्रोडक्ट्स अगर आपको भी पसंद है, तो ये जगह सिर्फ आपके लिए है। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ एक और फेमस स्ट्रीट फूड ट्राई करने, जो कि है कॉर्न डॉग। मैंने काफ़ी जगह बोर्ड्स देखे यार, बट अब मेरा मन कर रहा है उसे ट्राई करने का, सो लेट्स ट्राई और बताते हैं उसका टेस्ट कैसा लगता है मेरे को। वेज का प्राइस कितना है भैया? 120। और नॉन वेज का? 120। ठीक है, एक वेज लगा दूँ। बस बस बहुत है।
क्रंची और स्पाइसी है, मस्त चीज भी अंदर काफी है। तो ये जो कॉर्न डॉग था काफी ज्यादा टेस्टी था, क्रिस्पी था एंड क्रंची भी था, प्लस इसके अंदर चीज काफी ज्यादा फिल था और इसकी जो फिलिंग थी वो काफी ज्यादा टेस्टी थी। इसका प्राइस भी लेकिन काफी ज्यादा अच्छा था, 120 वर्थ इट है, आप लोग इसे प्लीज ट्राई करना इधर आएंगे तो। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मेरे को ये मिली होममेड कोकोनट आइसक्रीम, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, बट इसका एक शुगर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। और इधर जितने भी आइटम्स हैं ना शुगर के और कोल्ड, वो ज़्यादातर मतलब आपको ऐसे ही मिलेंगे शुगर लेस, बट ठीक है, अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, लेकिन होममेड है प्रॉपर। तो फाइनली सारे स्ट्रीट फूड्स मैंने ट्राई कर लिए हैं, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी टेस्टी भी थे और बजट फ्रेंडली थे। आप लोग इधर अपने वीकेंड्स पे भी आ सकते हो विथ योर फ्रेंड्स फैमिली एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी के साथ भी आप हैंग आउट करने इधर आ सकते हैं। बाकी एक और चीज़, अगर आपको कोई भी अगर कैफ़े, जैसे इधर का बहुत फेमस कैफ़े है एमस कैफ़े, अगर आप लोगों को उसका ब्लॉग भी चाहिए तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ मैं, जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।